नमस्कार 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 जी हूँ मैं वही बिल्कुल ब्रज कुमार। 2 बजे आने का समय था लेकिन थोड़ा डिले हो गया। और जैसा कि आपको मालूम है, हम इंडियंस अगर टाइम पे पहुंचने लगे तो शायद एक चमत्कार ही हो जाए। आज का जो ये शो है, मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसी महिला को जो कि इस बात को सत्यापित करती है कि नारी तुम बहुत शक्तिशाली हो। और नारी के कई रूप होते हैं, महिला के कई रूप होते हैं। विमेन आर देयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर इज वाइफ, मॉम, डॉटर, सिस्टर या फिर एंटरप्रेन्योर की दुनिया में भी इन लोगों ने जो नाम हासिल किया है। ऐसे ही कुछ छुपे रुस्तम को हम आपके सामने लेकर के आ जाए हैं और कोशिश यही है कि आप सब उन्हें थोड़ा सुने और समझें कि आखिरकार वो इतना सब कुछ कैसे मैनेज करती है। आज के इस शो में मैं वेलकम करता हूं निलंजना जी का, निलंजना पॉल, जो कि यूके में है और लंदन बेस्ड है। निलंजना जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है इस शो में, सुरीली बातें। अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि सुरीली बातें क्यों, ये नाम आपको कहाँ से ख्याल पे आया? तो मैंने बोला कि देखो, जब तुम ये शो देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिरकार मैंने इसे सुरीली बातें क्यों कहा है। निलंजना जी गाती भी बहुत अच्छा है और देखिए भगवान की कृपा से एकदम चमकती हुई आज हमारे सामने है। निलंजना जी वेलकम। थैंक यू वेरी मच ब्रिज जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू। So how are you feeling today? The first question. ठंड है, डिप्रेसिंग वेदर है, बट म्यूजिक है, सो आई एम ओके। जब तक म्यूजिक है मैं ठीक हूँ। तो जब तक म्यूजिक है तब तक आप मतलब कि वो कोल्ड वोल्ड आपको कुछ भी कोई फर्क नहीं डाल सकता, क्योंकि म्यूजिक और आप अपनी ही दुनिया में जीते हो, है ना। तो इस मौसम के बारे में 2 लाइनें अगर आप ऐसे ही गुनगुना दें तो थोड़ा मजा आ जाए, थोड़ा लोगों को भी पता चले कि आखिरकार मैंने इसे सुरीली बातें नाम क्यों दिया है। मौसम पे, इस मौसम पे, अच्छा इस मौसम पे जो मैं आपको एक सुना रही हूँ, जी अगेन उसकी इसके पीछे एक रीजन है। मैं ये गाना क्यों आज चूज कर रही हूँ वो ये है कि मैं विंडो पे बैठी थी और अच्छा बाहर देख रही थी, बिल्कुल डल, डिप्रेसिंग वेदर। तो फिर मुझे लगा कि क्या करे, कुछ कुछ गाया जाए, तो मुझे क्लासिकल सूझा। मुझे लगा कि मैं कुछ क्लासिकल करती हूँ तो फिर जरा मन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे वो तबला की जो बीट्स है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड उसे क्या होता है कि आपको सोचने को मिलता है कि यू आर थिंकिंग, सो फिर वो क्या होता है, फिर आपका बाहर का वो डिप्रेशन से मूड हट जाता है। क्या बात है, तो मैं आपको कुछ सेमी क्लासिकल सुनाती हूँ जरूर जरूर जो जरूर। या ओके So, here we go. मैं बस अपना वो निकाल लेती हूँ ट्रैक। जी जब तक निलंजना जी ट्रैक ढूंढती है, इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ये इंद्रधनुष किड्स नाम की एक स्कूल है, उसको भी ये चलाते हैं। शी इज अ सिंगर, शी इज एन एंटरप्रेन्योर, शी इज अ हाउस वाइफ, शी इज अ मॉम। तो इसीलिए यहीं पे मुझे ख्याल आया कि इतना सब कुछ आखिरकार ये कैसे मैनेज करती हैं। तो मैं ये जानना चाहता था पर्सनली, एंड आई वांटेड टू शेयर दिस थिंग विद ऑल ऑफ यू। तो जितने भी लोग आज हमें देख पा रहे हैं, सॉरी मुझे मालूम है कि शेड्यूल टाइम से हम थोड़े से लेट चल रहे हैं, इसके लिए बहुत सारे मैसेजेस भी मुझे आए, तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम ऑनलाइन हैं, लाइव हैं। तो जी निलंजना जी, ओके मेरी सेमी क्लासिकल जो मुझे मेरी जब मेरी मूड खराब रहती है, डिप्रेशन रहती है और बाहर एकदम अंधेरा सा, नो सन, तो तब मुझे सेमी क्लासिकल सूझती है। तो हियर वी गो। क्या बात है। आ
जी निलंजना जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया यहाँ पे। निलंजना जी, कैन यू हियर मी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर निलंजना जी, क्या, व्हाट अ स्टार्ट। एंड आई कैन, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे कि थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज हो गई थी, बट ओवरऑल आपने क्या मधुर शुरुआत की है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट आई वुड से। निलंजना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई नो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत, अगर इतनी अच्छी मधुर शुरुआत हो तो टाइटल भी बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो बताएं कि आज शनिवार का दिन है और आप इंडिया भी अभी हो करके आई हैं, तो हाउ डिड यू फील ओवर देयर बैक होम? बहुत अच्छा। हालांकि मैं पेरेंट्स से मिलने गई थी, मम्मी का जरा तबीयत ठीक नहीं था, बट एज आई सेड वहां पर जाते ही मन अच्छा हो जाता है। द रीजन भी आई थिंक देयर आर फ्यू रीजंस। एक तो है सनलाइट, विच मुझे तो बहुत इफेक्ट करती है सनलाइट, इसलिए मेरे घर में बड़े बड़े व्हाइट ट्यूब्स है, क्योंकि मेरे को वो अंधेरा डिम लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा है कलर्स। मुझे लगता है इंडिया में इतने कलर्स दिखते हैं, अब बाहर जब भी आप विंडो के बाहर यहाँ देखो तो आपको ग्रेस और ब्लैक ही दिखेंगे मोस्टली। इंडिया में आपको हर तरह के कलर दिखेंगे, बाहर में साड़ियां सब पहनती है लेडीज, जो इवन जेंट्स पहनते हैं, बच्चे पहनते, मतलब बहुत वेरियस कलर्स, वो बहुत अच्छा, मतलब एक फीलिंग होती है, एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आता रहता है। बिल्कुल सही कहा। और खास करके आप जब लंदन में हैं तो लंदन में बिजी लाइफ है, और अभी कोरोना वर्ल्ड वाइड जो है, कोरोना ने बहुत ही ज्यादा जो है नेगेटिव वाइब्स एवरीवेयर, यू कैन फील इट। लॉकडाउन में है लोग, बहुत ज्यादा लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो कैसे, मतलब हाउ आर यू कोपिंग विद इट? हाउ वॉज योर वे ऑफ डीलिंग विद इट? I think thanks to Indradhanush Kids and thanks to my students, मैं अगर ये म्यूजिक के साथ और ये स्कूल के साथ नहीं रहती तो अब तक तो मैं शायद पागल हो गई होती। तो बिकॉज एवरी डे आई हैव गॉट समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू,
क्लास प्लानिंग करना, उनको किस तरह से सिखाया जाए. हमने अलग से ट्रेनिंग लिया है कि ऑनलाइन में इफेक्टिवली हम कैसे सिखाएं, बिकॉज हम 3 साल से बच्चों को लेते हैं, तो उनको एंगेज करना ऑनलाइन में, बिकॉज इट्स अ स्क्रीन, यू आर नॉट देयर फिजिकली, एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. बच्चे सिर्फ यूपी के नहीं है, सारे दुनिया के हैं, तो हम उनसे कैसे एंगेज. तो ये सारी चीजों में मेरी पूरी दिन निकल जाती है. कोरियोग्राफी करो, सिंगिंग करो. वैसे आई वर्क फुल टाइम, बट आई थिंक दैट इज अ जॉब फॉर मी, जो मैं सिर्फ जॉब के लिए करती हूँ. एंड आई कांट वेट, वो 8 आवर्स तो मेरी, मतलब इट्स वो सिर्फ मैं जॉब के लिए करती हूँ. पर इज म्यूजिक एंड माई स्कूल. जी बिल्कुल, इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि मैं भी जैसे फुल टाइम वर्क करता हूँ, ऑफिस डेज, यू नो द 5 days यू हैव टू गो टू द ऑफिस, एंड समवेयर यू फील लाइक यू नो कि आपका पैशन अलग होता है और आपका जो वर्क है जो कि करना ही करना है. तो ये बहुत से लोग बहुत लकी होते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा, कि चाहे वो सिंगर्स हैं, चाहे वो कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने जो चाहा उसी को जॉब के तौर पे लिया, जो कि फुल टाइम उसको एंजॉय करते हैं. लेकिन मैं अपने आप को और आपको भी कहूंगा कि आप भी और हमारे जैसे कई लोग जो कि फुल टाइम जॉब करने के बाद अपने पैशन को जी पाते हैं, वो लोग भी बहुत खुशकिस्मत हैं. क्योंकि यकीन मानिए, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं और मैं कईयों को जानता हूं जिनका पैशन है सिंगिंग है, डांसिंग है, बट जब उनसे बात होती है तो वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई वक्त कहाँ है, अब वक्त कहाँ है, अब तो फैमिली हो गई, परिवार हो गया, बच्चे हो गए, अब कहाँ मैं गाऊंगा, कहाँ बैठ के क्या करूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल. तो कई बार मुझे लगता है कि चलो आखिरकार, मतलब कि उस तरह से हारे हुए तो नहीं है हम, मतलब अपने काम के साथ साथ हम अपने आप को अपने पैशन के लिए वक्त दे पाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो आप ये बताएं कि, मैं तो ये जानना चाहता था कि आपकी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं, राइट, पतिदेव हैं, फैमिली है, वर्क है. अभी अभी आपने बताया कि आप फुल टाइम जॉब भी करती हैं, दैट वाज आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग अगेन. तो कैसे कैसे ये सब कुछ कैसे मैनेज करती हैं? मुझे एक ही चीज बोलना है कि आपके पैशन के लिए अगर, मतलब वक्त होता नहीं है, वक्त बनाया जाता है. सो इट्स नॉट लाइक कि वक्त चल के आपके पास आएगा, वो तो कभी नहीं आएगा. आपके अगर पैशन है एंड इफ यू रियली फील स्ट्रांगली अबाउट इट, आप वक्त बना लोगे. ये मेरा कहना है. मतलब जैसे मल्टीटास्किंग करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा ऑफिस का काम, थोड़ा सा ये, तो मल्टीटास्किंग में ही मैं बिलीव करती हूँ, एंड इफेक्टिव मल्टीटास्किंग. एंड सबसे बड़ी और दूसरी बात है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे. तो सपोर्ट करे मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट जो जो हो रहा है उसे होने दो, बस वही काफी है. जी. तो उस तरह से आई थिंक आई एम क्वाइट ब्लेस्ड कि मेरी पैशन स्ट्रांग है. मेरी जो जो मेरे साथ मेरी जी थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम तो आ रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं. कई बार क्या होता है, जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म को जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो जी निलंजना जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं अब सुन पा रही हूँ. आई थिंक कुछ हुआ था बीच में, फ्रीज हो गए. हाँ, थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज आ रही है. मेरा तो वाईफाई स्ट्रांग है, होपफुली यू गॉट अ स्ट्रांग नेटवर्क एज़ वेल. आई थॉट सो टू, बट आई डोंट नो. कोई नहीं, anyway, वो होता है थोड़ा बहुत तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम जुड़ते हैं, जब वर्चुअली हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये इश्यू रहता ही रहता है. खैर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली का सपोर्ट एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हो जाता है आपके पैशन को फॉलो करवाने के लिए. तो बातचीत का सिलसिला ऐसे ही करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच में क्या है कि मुझे आपकी आवाज इतनी पसंद है कि मैं कुछ सुनना चाहूंगा, और फिर उसके बाद अगर अब इफ यू डोंट माइंड तो कुछ लाइनें सुना दें. बहुत ही अच्छा आपने अभी ओम नमः शिवाय के साथ शुरुआत की है, तो मैं चाहूंगा कि कुछ और भी मुझे और मेरे दर्शकों को अगर आप सुना पाए.
और फिर हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। सो मैं सोच रही हूँ मैं अब नेक्स्ट क्या सुनाऊं। द थिंग इज, अब मैं एक चीज पे बहुत लोगों की कंट्रोवर्सी रहती है। जब मैं म्यूजिक लाइन में आई और जब यहाँ पे बच्चों को सिखाना शुरू की एंड थिंग्स लाइक दैट, बट लॉट ऑफ पीपल सेड फ्यूजन या फिर रीमिक्स इज इट गुड और इज इट बैड। तो इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल साइड ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर रीमिक्स से हम बच्चों को अपनी संस्कृति के पास थोड़ा सा ला सकते हैं तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग आफ्टर ऑल। फॉर एग्जाम्पल, एक जो अपनी लता मंगेशकर जी की लग जा गले सॉन्ग था, मैंने एक जन को, एक अपनी यहाँ के स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश किया तो उसको बहुत स्लो लगा। तो जी हाँ, वो कहते हैं ना कि पुरानी चीजों को अगर आप नए तरीके से पेश करेंगे तो लोगों को थोड़ा सा ट्विस्ट मिल जाता है, लोगों को थोड़ा ज्यादा मजा ही अच्छा है। All I'm saying is, जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं निरंजना जी? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? Close to, जी, you know, the original. जी नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात से, जी जी जी, आई कैन थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है आज, इसके लिए मैं जो भी सुन पा रहे हैं, जो भी देख पा रहे हैं उनसे मैं, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी जी, मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ मैं सुन पा रही हूँ। So, मैं आपको तो लज्जा गले की एक जी सुनाए सुनाती हूँ सुनाए जी, जो कि मेरी एक स्टूडेंट ने, दैट्स हाउ आई काइंड ऑफ ब्रॉट हिम क्लोज टू द सॉन्ग एंड देन आई एक्सप्लेन टू हिम द राग बिहाइंड इट एंड द टेक्निकलिटीज बिहाइंड इट। उसके बाद वो ओरिजिनल गाने पे चला गया, बट इनिशियली वो इस ये वर्षन सीखा मुझसे। सो I'm going to sing that to you. Great, great. Lag ja gali kithe haseen raat ho na, shaad phir se janam le mulaqaat ho na. This was the version जो वो पहले सुना and he was interested. फिर I went back. तो पहले ये version किए हमने, उसके बाद मैंने उसको इसका राग का समझाया कि how this मतलब ये राग का flow क्या है, और उसके बाद उसने original किया and she could appreciate it. So I think अगर हम बच्चों को connect कर पाए with these kind of versions, I don't think anything is wrong with it. So, that's my it. personal feeling hai. But nothing wrong with it. Hum agar humko jod paaye apni sanskriti ke saath and go backwards instead of going front, go backwards. So start with this and go back to the classical root. Aur nahi ye bilkul, I think wo bhi chalta hai mere khayal se. बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार क्या हो जाता है कि हमें जो पुरानी चीजें हैं वो नए तरीके से पेश करनी पड़ती है, जो नई जनरेशन है उसे। अब कई गाने हैं जैसा कि मैं मानता हूं, देखिए जितने भी पुराने गाने हैं वो सदाबहार गाने हैं, और विद ऑल रिस्पेक्ट हम तो उन गानों को, आप और हम और हमारे जैसे कई लोग उन गानों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, तो हमारे लिए वो मायने करता है। लेकिन आज के जो न्यू जनरेशन है,
उसको थोड़ा हिप हॉप पसंद है, उनको थोड़ा सा क्या होता है कि ट्विस्ट गानों में पसंद होता है। आपने तो इस गाने की बात की, ये तो फिर भी बहुत ही अच्छा था, अनप्लग्ड बेस था गाने का, लग जा गले से, एक बहुत ही प्यारा सा गाना। फिर आपको याद होगा 90s में वो बिंदिया चमकेगी, उस तरह के गाने उस समय रिमिक्स होकर के आए थे, और क्या चले वो गाने, है ना, क्या चले, तो लोगों को पसंद आता है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि रिमिक्स बिल्कुल ही लोगों को पसंद नहीं आता, और ये जो आपका तरीका है बच्चों को सिखाने का, मुझे लगता है ये बेहतरीन तरीका है। तो क्या क्या सिखाती हैं आप अपने इंद्रधनुष किड्स में, क्या क्या होता है वहां पे, थोड़ा सा अगर आप बताएं हमें। हाँ जरूर। तो हम जैसे 3 साल लेते हैं बच्चों को, हमारा जो है इंटरनेशनली अक्लेम्ड सर्टिफिकेशन मिलती है, जो कि आप वो सर्टिफिकेशन कहीं पे भी हेल्प लेकर जा सकते हो, एंड दैट विल बी वैलिड। तो और हम जो सिखाते हैं, हमारा बॉलीवुड भरतनाट्यम है, कथक है, हिंदुस्तानी वोकल्स है, एंड जो बॉलीवुड है हमारा वो उसका सिलेबस हमने बनाया है। अच्छा। और दैट गॉट सिलेक्टेड बाय ओसीएन लंदन, तो वो हमारा एक्रेडिटेशन उसने किया, एंड अब हम उसको भी एज अ एक्रेडिटेड कोर्स सिखाते हैं। क्या बात है, बेहतरीन, वेरी गुड। मतलब कि लंदन में रह रहे भारतीयों को आपने अभी भी कल्चर और जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ जोड़कर रखने का एक बहुत ही अथक प्रयास किया है, विच इज आई थिंक यू नो नॉट मेनी ऑफ अस कैन डू, एंड विद दैट स्कूल एक्चुअली यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई रीड फीडबैक समवेयर अबाउट योर स्कूल्स, एंड दैट्स रियली ग्रेट। हाँ जी, आप बोले। सिर्फ लंदन में है, हमारा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड से स्टूडेंट्स है, कुवैत से है, दुबई से है, सिंगापुर से है, यूएसए से है, अभी हमारा इंडियन ब्रांच भी हो रहा है। क्या बात है। इसलिए हमें अलग से ट्रेनिंग लेना पड़ा कि हम ऑनलाइन में बच्चों को कैसे सिखाएंगे, क्योंकि मेरे लिए परफेक्शन बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। सो मेरे लिए बहुत बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो क्वालिटी बिल्कुल सही रहे, तो हमने ट्रेनिंग लिया है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि अब जो दौर आ रहा है, इस कोरोना ने, इस कोविड टाइम ने यह बता दिया है कि अब वो दौर आ रहा है जहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन वर्चुअल वे ऑफ टीचिंग या फिर वर्चुअल वे ऑफ मीटिंग इज गोना बी द न्यू नॉर्म्स, एंड दैट्स हाउ इज गोना बी। तो आज के डेट में तो मुझे लग रहा है कि सभी सीख रहे हैं, है ना, सभी सीख रहे हैं। अच्छा चलिए, तो ये तो हो गई लंदन की बात, आप लंदन यूके में आए, मैं थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं आपकी कहानी बैक होम इन इंडिया, कैसे मतलब इंडिया में आप थे, फिर यूके आने का प्रोग्राम बना, थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को कैसे हुई कहानी शुरू। जी जरूर। हाँ बिल्कुल, मैं एक बहुत ही छोटे टाउन की हूँ, खड़गपुर, इट्स इन वेस्ट बंगाल, इट इज नोन ओनली फॉर आईआईटी, क्योंकि वहां पे इंडिया के जो पहले 5 IITs होते थे, खड़गपुर IIT, उसके वजह से लोग IIT को खड़गपुर को जानते हैं, बट फॉर मी खड़गपुर इज होम, वेरी स्मॉल टाउन, एंड दैट्स माय बर्थलैंड, वहीं से मेरी स्कूलिंग हुआ, सारा एजुकेशन हुआ, इनफैक्ट वहां से मेरी शादी भी हो गई 20 years बैक। तो वहां पे मैं एक गुरुजी से हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखी हूँ, ही अगेन ही इज नॉट मतलब जैसे हम बड़े नेम मतलब फेमस पीपल बोलते हैं वो नहीं है, बट ही वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बिल्कुल एक एक को पकड़ पकड़ के सिखाना, एक एक सुर को कैसे लगाना है, कितना छोड़ना है, कितना लगाना है, जब तक परफेक्शन नहीं आता था उसको पकड़ के रहना है। He taught me the basics and he always told me कि आप पहले बेसिक सीखो, पहले तो आप 12 सुरों को गले में लगाओ, उसके बाद तो कुछ भी कर लोगे। So I think he taught me that the basics are very important. Knowing a lot is not important, but जितना आप जानते हो उसको properly जानो। आप इतना कहने का मतलब ये है, आप उसको सही जी कहने का मतलब ये है कि क्वालिटी पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए, क्वांटिटी जो है वो जरूरी नहीं है। तो बैक होम आपने बताया कि म्यूजिक, हाँ तो बैक होम आपने बताया कि म्यूजिक जो है वो
आपने अपने गुरुजी से सीखना जो है वो शुरू किया। अच्छा, कुछ दर्शकों के कमेंट्स भी मैं साथ ही साथ आपको बताते चलूं। मोनिका रानी जी हैं, वो कहती हैं गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। अभ्रीता चटर्जी है, लग जा गले, उनको बहुत पसंद आया, शी लव्ड इट। और भी बहुत सारे दर्शक हमारे जो हैं, थोड़े से टाइम की वजह से और थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी सी रीशेड्यूलिंग की वजह से हमारे बहुत से दर्शक मिस भी हो गए, इसके लिए मैं उन सबों से फिर से एक बार माफी चाहूंगा। लेकिन निलंजना जी, लेट्स गो बैक टू इंडिया, उसी मेमोरी पे चलते हैं। तो बचपन कैसा था? बचपन वहां का जो है मुझे लगता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चों को वो बचपन तो नहीं दे पाएंगे जो हमने जो बचपन जिया बैक होम इन इंडिया, आउटडोर, लोगों से मिलना, चाचा चाची, काका काकी, मासा मासी, जो हम लोग किया करते थे, हर पर्व को, हर फेस्टिवल को एक दूसरे के घर में जाके इंजॉय करना, तो मिस करती हैं आप? आपको ऐसा लगता है कि ये चीज जो है हम बच्चों को नहीं दे पाए और काश वो बचपन फिर से वापस हमें मिल पाए? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मैं, एज आई सेड, मैं छोटे से शहर से हूँ। हमारे लिए जैसे हम कॉलोनी में रहते थे और मतलब बहुत ही मस्ती वाली लाइफ थी। मतलब मेरी, मैं घर में पूरी खानदान में एक लड़की थी, तो मेरी दादी की बहुत मैं पेट थी, तो किसी का मजाल नहीं था कि मुझे कोई इतना सा भी बोले, तो मैं उस बात की फायदा भी उठाती थी। मैं बदमाशी करती थी, लेकिन घर के सारे भाइयों को डांट पड़ती थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो बहुत शरीफ है। और यू नो, अमरूद के पेड़ पे चढ़ना, आम के पेड़ पे चढ़ना, वो सारा मेरा बहुत ही मतलब कूल सा बचपन था, जिसे कहते हैं। लेकिन और एक जो म्यूजिक के डिफरेंस से जो मैं समझती हूँ, मैं यहाँ आके मुझे पता चला कि डिजिटल तानपुरा भी कुछ होता है। मुझे पता ही नहीं था ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारे टाइम पे वो यू नो, आपको स्ट्रिंग करना पड़ता था तानपुरा को हारमोनियम के साथ, एंड देन ओनली, मतलब डिजिटल तबला होता है, डिजिटल तानपुरा होता है, ऐसा कुछ होता है, कैरियोके ट्रैक होता है, मुझे सब पता ही नहीं था। मतलब ये सारी मतलब चीजें से हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ बड़े नहीं हुए हम बिल्कुल यू नो, रॉ जिसे कहते हैं, प्रॉपर तानपुरा था, बिल्कुल वो बहुत ही एकदम स्क्रैच से म्यूजिक को सीखना। अब तो बहुत डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। अब एक कई लोग हैं तानपुरा पीछे डिजिटल, वो है ना, डिजिटल तानपुरा वो प्ले कर देते हैं और उससे भी गाते हैं। खैर, और रिकॉर्डिंग स्टोर करके उस पे सुन के सीखते हैं। हमारे पास तो गुरुजी को बोल के जाते थे, वो हमें याद रखना पड़ता था, बिकॉज मेरे घर में टेप रिकॉर्डर भी नहीं था और ऐसा कुछ मतलब रिकॉर्ड करने का कुछ वे भी नहीं था। तो गुरुजी सिखाते थे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब ही नेवर सॉ द टाइम, लेकिन वो जो सिखा के जाते थे वो मुझे पूरा वीक याद रखना पड़ता था और उसको लिख के रखना पड़ता था और अगले वीक मुझे वो सुनाना पड़ता था विदाउट एनी रिकॉर्डिंग या फिर एनी वे ऑफ यू नो। अभी तो इतना इजी हो गया, मुझे लगता है बहुत बहुत हमारे टाइम पे इतना इजी नहीं था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो निलंजना जी, इसी बात पे हो जाए, एक और आपकी तरफ से एक कुछ मधुर सा आप सुना दे, क्योंकि जब संगीत की बात होती है तो आपसे कुछ ना सुना जाए ये तो गुस्ताखी होगी। सभी सभी लोगों के साथ मैं जो है बहुत बड़ी गुस्ताखी करूंगा। तो आइए ना, कुछ सुनाइए निलंजना जी, कुछ सुनते हैं आगे। अच्छा, सुनते हैं। राइट, ओके। मैं मोनाली ठाकुर की गाया हुआ एक एक, एक बस एक दो लाइन सुनाती हूँ, ठीक है? ओके के झाके आज से लूट गए, फूलों की झाकियाँ जो हमसे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दे हाल जरा, सवार सवार हवा के
झोंके आज मौसमों से लूट गए, फूलों के झोंके आज बदले आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की जान जरा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी कर सहार जरा, सवार लूं सवार लूं सवार लूं मैं सवार लूं। तो मुझे मोनाली ठाकुर बहुत पसंद है, वेरी अनकन्वेंशनल सिंगर, मतलब nice. तो उसकी उनकी जो और बहुत ही बहुत मुझे लगा प्यारा कि मैं इसको इसे जी 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 आप कहें, आप कहें नीलेंद्र जी। नहीं बस वही था कि इसलिए मुझे लगा कि मैं, मुझे पता नहीं इसकी रिदम और मोनाली ठाकुर जनरली काफी अच्छी लगती है। नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गाया भी, और गाने के बोल भी कितने प्यारे थे, संवार लूं संवार लूं। मेरे ख्याल से किस फिल्म से था ये लुटेरे, वाज इट, नो आई एम नॉट श्योर फ्रॉम कौन सा लुटेरा, इज इट, ओके, दैट्स अ लवली लुटेरा, लुटेरा yeah. बिल्कुल, रणवीर सिंह एंड आई थिंक सोनाक्षी सिन्हा पे फिल्म आया गया था, यस यस राइट जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो मैं चाहता था कि थोड़े से थोड़ा अगर आप इजाजत दें तो आपके परिवार वालों से भी मिल लिया जाए, थोड़ा उनसे भी थोड़ी बातचीत की जाए, मम्मी इतनी बिजी रहती हैं, तो क्या वो जुड़ सकते हैं मुझसे, उनको जोड़ते हैं, लेट्स गेट देम, या तो उनसे अगर आप कहें, उनसे करके अगर हम उनसे जुड़ पाए, तो जब तक कि हम उनसे जुड़ते हैं आइए यहाँ पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, दी आइडिया वुड बी लेस सो तो अभी आप सुन रहे थे निलंजना जी को, और निलंजना जी के बारे में जितना भी बताया जाए मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि किसी भी एक मैं देखिए सबसे बड़ी बात यह है इस शो के बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई मकसद नहीं है ये कहने का कि महिलाएं नहीं कर सकती ये सब कुछ, महिलाएं क्या, अगर पुरुष भी है या मेल की भी अगर मैं बात करूं तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ डील करना इज अ बिग टास्क, आई वुड से यू नो इवन फॉर एनीवन, if he has to look after a company, if he has to do all these, you know, office work, he has to look after the kids, or he has to look after the family as well, you know, full-time job ke saath, to follow your dream, follow your passion, it certainly need a lot of, kehte hai na, commitment jo hai, dedication jo hai, wo bahut hi zaruri ho jata hai, aur yahi karan hai, कि जब सुरीली बातें मैं सोच रहा था कि लेकर के आऊं, बहुत से लोग कह रहे थे कि ब्रिज कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बताओ जो कि दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर डूइंग सो ग्रेट, बट नॉट मेनी पीपल आर एक्चुअली अवेयर अबाउट देम, और वो कहते हैं ना कि छुपे रुस्तम लोग होते हैं, उन्हें नेम और फेम से कुछ लेना देना नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये मकसद होता है, उनकी सिर्फ ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने पैशन को ढंग से जी लूं और मैं उसी के साथ आगे बढ़ूं, लोगों ने जाना तो अच्छी बात है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं है,
इसी सिलसिले में मैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम जो आया था वो निलंजना जी का आया था। तो निलंजना जी, क्या ये हो सकता है कि आपके फैमिली मेंबर भी जुड़े हमारे साथ? अब माइक को अनम्यूट कर लें पहले। जी एब्सोल्युटली। अच्छा, आधे आधे रेडी जी? वो दे आर रेडी। तो मुझे लगता है कि यू मे हैव टू शेयर द लिंक, इजन इट? Or I can just add that one. That's fine. Do that's I need fine. No. I can see one saying Nilanjana Indradhanush Kids laptop. Do I need to do that one? I'm not sure. I'm going to share the link with them. Because I have shared the old link. So yeah, okay. I think they are trying to join the old link. Please. Okay. That would be great. So just like I was telling you that this The whole idea is, और जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबों को, सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत प्यार। आप लोग हमेशा कुछ अच्छा बताते रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, खास करके वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं। जैसे कि अभी निलंजना जी ने कहा कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, और आप उनकी बातों को सुनते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ तो होगी बात जिसके लिए लोग आपको पुश कर रहे हैं, जिसके लिए लोग चाहते हैं कि आप ऐसा करें वैसा करें। मैं ये हमेशा ये नहीं कहता कि इट्स ऑलवेज राइट, इट्स नॉट ऑलवेज राइट। ऑब्वियसली यू हैव टू यूज योर ओन फिल्ट्रेशन प्रोसेस, बिकॉज समटाइम इट कुड बी लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड, इट कुड बी लॉट ऑफ यू नो थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट टू हियर, बट देन एट द एंड ऑफ द डे हाउ यू एक्चुअली टेक पॉजिटिविटी आउट ऑफ नेगेटिविटी is a great, great, great achievement. And therefore, some of the people who have done little different with a lot of, you know, their passion, a lot of dedication, they are here today. So, aaiye ek baar phir se hum Nilanjana ji se quickly check karte hain ki kya are they okay rejoin? क्योंकि क्या होता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जब हम बातें करते हैं ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चीजों को कनेक्ट करना लोगों से। मैं चाहता था कि आप लोगों को सिर्फ निलंजना जी से ही नहीं, उनके परिवार के बाकी सदस्यों से भी मिलवाऊं और उनसे भी समझने की कोशिश करूं, क्योंकि ये एक कॉमन मैन की जो लाइफ स्टोरी है वो बिल्कुल वैसी है कि अब हम तो पैशन फॉलो करते हैं, है ना, माँ ने पैशन फॉलो करना है, पापा ने पैशन फॉलो करना है, तो बच्चों का उसमें व्यू क्या होता है, बच्चे उस समय को कैसे डील करते हैं, आखिरकार उनकी सोच क्या होती है, वो क्या कहते हैं कि नहीं नहीं सही है, मम्मी शुड डू इट और पापा शुड डू इट, यू नो। तो एक तो आपने कुछ खूबसूरत गाने भी सुने, निलंजना जी ने अपनी आवाज में बहुत ही खूबसूरती से कुछ गाने भी हमें सुनाए, और साथ ही साथ यहाँ पे अरविंद बग्गा जी भी हैं। अरविंद बग्गा जी नमस्ते, अभिरीता चटर्जी जी नमस्ते, बग्गा साहब का प्यार हमेशा मिलता रहा है, हमेशा जुड़ते हैं, बड़े प्यार से जुड़ते हैं, और ऐसे ही चंद लोग हैं जिन्होंने मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मोटिवेट किया है आगे बढ़ते रहने के लिए। और जैसा कि अभी निलंजना जी ने कहा था, मैं फिर से आपको रिपीट करके सुनाता हूँ, मतलब उन्हीं की बात को आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि क्वालिटी सबसे जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। तो जब मित्रों की, जब फ्रेंड लिस्ट की जब बात होती है ना, तो लोग कहते हैं कि फ्रेंड लिस्ट में मेरे 2000 दोस्त हैं। अब उन 2000 दोस्तों में यकीनन कितने दोस्त आपके सच्चे दोस्त हैं उस वक्त में जब आपको उन दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, उनमें से कितने दोस्त निकल के बाहर आएंगे, उस क्वांटिटी पे ध्यान दो, ना कि उस क्वांटिटी पे जो आपको वर्चुअली दिख रहा है कि 5000, ओह आई हैव गॉट 5000 फ्रेंड्स, आई हैव गॉट 10000 फॉलोअर्स। नहीं, वो है ठीक है, वो ठीक है, आपके लाइक्स के नंबर बढ़ाएगा, आपके वो कहते हैं ना व्यूज के नंबर बढ़ाएगा, लेकिन रियल लाइफ में आपके जो रियल फ्रेंड है, रियल फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, जो आपका साथ देते हैं, वही काम आते हैं। निलंजना जी, आर यू रेडी? यस आई एम, एंड आई थिंक दे आर एज वेल। ओके, सो या ठीक है, लेट्स सी इफ आई कैन, आई ओके, आर दे देयर? आई
can't see anyone, any request or anything over there. Unless I'm missing something. Can you not? I can't see anyone waiting over there to join. So, I can't. Did you share the? Okay, let me. Yeah. They just need to click the link. Yeah, I have shared the new link. And okay, so as soon as they click the link, I just need to authorize them. That's it. It's pretty easy. I can't see anyone waiting. I can just see this. Just bear with me. Yeah. Okay, wait. So I can see this one. I'm just. Can you see anything? No. I can so just see this. Yeah. Apparently, she has joined on the new link. That's what my daughter says. Okay. But ek minute, main fir ek kaam karti hoon. Or if they can just join you with you, that's fine. Yeah. That's fine. No issues, no issues. कोई नहीं, जब तक निलंजना जी यहाँ पे सॉर्ट आउट करती हैं, तब तक हम आपको कुछ और आगे बताते हुए चलते हैं. द्वीप भाई, हेलो, गुड आफ्टरनून, थैंक यू. और अरविंद बग्गा जी कह रहे हैं ब्यूटीफुल शो. मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार के लिए. और ऐसा ही आइडिया बस यही है कि उन लोगों को, जो प्यारे लोग हैं, जो इतने मेहनती, इतने टैलेंटेड लोग हैं, उन लोगों को लेकर के थोड़ा बाहर ले रहे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर ड्रीम, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, दे आर कीपिंग देमसेल्फ बिजी, दे हैवंट गॉट मच टाइम टू यू नो कम ऑन कैमरा एंड टॉक अबाउट देमसेल्फ. एंड दैट इज वेयर आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स ब्रिंग समवन हु इज वर्किंग हार्ड, हु इज डूइंग समथिंग इन अ डिफरेंट, एंड दे आर ऑलवेज इन माय इफ यू गो ऑन फेसबुक और इफ यू गो लेट्स से इंद्रधनुष किड्स, यू कैन सी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन ओवर देयर. वहां पे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल आर जॉइनिंग, दे ऑल आर शोइंग देयर टैलेंट. इट्स ऑल अबाउट टैलेंट, आई वुड से. इट्स मोर अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस, इट्स मोर अबाउट गिविंग देम एक्सपोजर, यू नो. एंड आई थिंक in that regard Indradhanush kids have really done a brilliant job. To abhi kuch gaane bhi sune the. Nilanjana ji se main fir request karunga ki agar wo kuch suna paaye beech mein. Ji ji, even hamari to dances bhi hoti hai. Sorry, to dance bhi aap dance classes bhi aapki hoti hai. Acha ji जी निलंजना जी, मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए नहीं, जच्छाव फाउंडेशन के लिए हमने प्रोग्राम किया था. दैट वाज वेल एक्सेप्टेड. तो इट्स काइंड ऑफ टीचिंग द किड्स एज वेल कि जो हमारे पास है, बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास पीपल हैव बिगर डिफिकल्टीज इन लाइफ. तो हम ये भी एक सीख थी उनको दिखाने के लिए कि भाई देखो, आपके पास जो है, यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट. ऑफ कोर्स. एंड इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, बिकॉज़ आई थिंक आई हैड अ चांस टू हैव अ लुक एट इट. जी 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 निलंजना जी, आप बताएं, आप बताएं. जी, आई कैन हियर यू निलंजना जी. ठीक है, साथ काम करते हैं इंडिया. एक चीज जो प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज आ रही है, नेटवर्क को लेकर के थोड़ी सी प्रॉब्लम है. इसके लिए क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो थोड़ी बहुत चीजें जो है वो होती रहती हैं. वो थोड़ा सा इश्यूज जो है वो हमेशा रहता है, साउंड को लेकर के टेक्निकली जितनी भी प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू रहती है. तो इसके लिए बस यही है कि थोड़ा बहुत आप हमारे साथ मैनेज कीजिए और हम आपके साथ मैनेज करते हैं. जी, कैन यू हियर मी निलंजना जी? यू नीड टू. आई कैन हियर यू. आई कैन हियर यू. ओके. वही बच्चों को दिखाना है कि लाइफ, you know, it's not a bed of roses कि आपको
आपको बस आप मांगो और आपको मिल जाती है, ऐसा नहीं है. इट इज यू नो इट्स मच मोर देन दैट. सो ये भी एक आइडिया थी कि हम एक और चैरिटी के साथ इंडिया में काम करते हैं जो कि है एक और एक गर्ल्स ओनली ऑर्फनेज, उसमें सिर्फ लड़कियां और लड़कियों के साथ. सो बट अगेन मतलब मुझे लगता है कि काम इज नॉट समथिंग जो आप बिल्कुल बड़ा सड़ा करके बोलो, आप बस पीछे करते रहो. एंड आई थिंक ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि देखो यू नो यू शुड फील ब्लेस्ड कि आप कहाँ पे हो. तो इट इज एन ऑल राउंड डेवलपमेंट. तो मुझे लगता है इंद्रधनुष किड्स इज नॉट ओनली अबाउट एक गाना सीख लिए आप, एक डांस सीख लिए आप, इट्स अबाउट इट्स अ कंप्लीट आप एक इंसान बनते हो, एक पूरा इंसान बनते हो, एक डिसिप्लिन आप लाइफ में ले आते हो ना. बिकॉज डांस से लेकर के म्यूजिक से लेकर के जिंदगी को जीने का भी जो तरीका है वो आप बताने की कोशिश करते हो. तो निलंजना जी, मीनवाइल आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू. अगर एक गाना हो जाता बीच में, क्योंकि हमारी बातचीत ही चलती रही, कुछ दर्शक हैं वो कुछ सुनना भी चाहेंगे आपसे, तो एक गाना सुनने के बाद फिर लेट्स सी इफ योर डॉटर्स दे कैन जॉइन. They are saying कि वो join किए हैं and they are waiting for the host to let them. So I'm not sure. I can't see anything unfortunately here, which needs to be added. In that sense, I'm just going to call them here. Yeah. I think that is going to be the easiest one. So I'm going to call them here. ठीक है. तो जब तक कि यहाँ पे निलंजना जी बुलाती हैं अपने फैमिली मेंबर्स को, मीनवाइल लेट्स कुछ आप लोगों से भी बातें करते हैं. तो देखिए, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हैं ना, उन लोगों से मैं यही कहूंगा कि आप भी बताते रहें, आप भी जरा सुनाएं कि क्या है और कैसे हम इस शो को और भी अच्छा बना सकते हैं. जहां तक टेक्निकल फॉल्ट की बात है, उस पे हम वर्कआउट कर सकते हैं, एंड दैट्स हाउ वी गोना लर्न एंड दैट्स हाउ वी गोना पुट इट राइट. द होल आइडिया इज एज लॉन्ग एज यू ऑल आर कनेक्टेड, एज लॉन्ग एज यू ऑल आर एंजॉयिंग, एज लॉन्ग एज यू नो यू ऑल आर पार्टिसिपेटिंग, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आइए यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं. आई थिंक निलंजना जी के Hello. How are you doing, sir? How are you doing? Not too bad, thank you. Hello. It's good to see you. Good to see you. Hello. What's your name? My name's Shreya. Shreya. And what's your name, sir? My name is Sanjay. Sanjay bhai, welcome Shreya. You know, we were trying to work it out somehow. पर वो थोड़ा वर्कआउट नहीं हुआ. आई वाज ट्राइंग टू गेट यू गाइस कनेक्टेड थ्रू योर लैपटॉप, बट यू नो थोड़ा वर्चुअल मीडिया में है ना. तो संजय भाई, टेल अस एक्चुअली समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ व्हाट यू डू एंड हाउ यू आर फाइंडिंग एवरीथिंग गोइंग अराउंड, यू नो क्या चल रहा है. बस अभी तो बस ये गाना बजाने से अपने आप को थोड़ा आनंदित करके रखते हैं, बाकी तो सारे लॉकडाउन. आप भी गाते हैं संजय भाई, आप भी गाते हैं. मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, पर ये कोई सुनता नहीं है. पर कोई सुनता ही नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. प्रॉब्लम यही होती है कि हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन लोग सुनना ही नहीं चाहते. आप एक बात बताओ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट की. एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू हूएवर इज लिसनिंग टू मी हियर, and that's the main problem, you know. Even if you think you can sing really well, you can dance really well, but no one is interested, no one wants to hear you, no one wants to watch you. So mujhe sirf ye kehna hai ki Sanjeev Kumar sahab ka ek film tha, us film ka ek gana tha, oh thande thande pani se nahana chahiye, gana aaye ya na aaye gana chahiye. And that should be the motivation, whether someone wants to listen to you or not, just carry on singing, carry on dancing. Shreya, tell me about yourself. Hello, my name is Shreya. I am 14 years old. Mm-hmm.
बिंदास, यू नो श्रेया, श्रेया आई वुड से एकदम रिलैक्स होकर के बात करो, इट्स नॉट योर कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है, मस्त होकर के जस्ट टेल अबाउट हाउ यू फील, हाउ व्हाट यू आर एंड यू नो व्हाट यू लव टू डू, थोड़ा बहुत बताओ अपने बारे में. डू यू अंडरस्टैंड हिंदी दो? Yes, I understand. I can't speak very well, though. Chalo, koi nahi. I understand English. So you can carry on in English and I would do English. Write okay. Hindi and English. Theek hai? So I am currently studying in year 10 now. I am very passionate about performing arts. So I really like music and dance. And I've been learning singing since I was 3. I also do Kathak dance. Currently I'm working towards my grade 6, and I also play Western violin, also working towards grade 6. Wow. Isn't it? That's too much talent. What do you say that? No, I wouldn't say that. Nahi abhi to seekh rahe hain. Dekhte hain kis tarah. That's great. So you said you play violin? Yes, I do. Have you got it with yourself now? Yes, it's in the other room. Thoda bahut, if you can play something for us. Oh goodness, no. just do like, you know, just a little bit, you know, just a little bit, you know. Okay. Don't worry, no one is going to judge you, because obviously I don't understand violin at all. So you can just play whatever you feel. And बड़े भाई आप बताएं कि कैसे, मतलब निलंजना जी इतना सब कुछ करती हैं एंड ऑब्वियसली यू मस्ट बी डूइंग लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल, हाउ यू गाइस आर मैनेजिंग विद द फैमिली विद द वर्क एंड विद ऑब्वियसली लॉट्स गोइंग अराउंड. वो बोलते हैं ना लड़कियों का 10 हाथ होते हैं दुर्गा देवी की तरह, ये तो इंडिविजुअल हैंड्स है, वो यूज करती रहती है, पता ही नहीं चलता. और ये सबसे बड़ी बात है कि ये रियलाइज करना, ये अंडरस्टैंड करना कि इतना सब कुछ करती हैं, ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है. हम इंडियंस फैमिली हैं या फिर जितनी भी और अदर फैमिलीज हैं, समटाइम दे डोंट रियलाइज, यू नो, एंड दैट्स द मेन थिंग. एज लॉन्ग एज यू रियलाइज दैट हाउ मच हार्ड वर्क एक्चुअली वन इज पुटिंग टुवर्ड्स टू गेट इट थ्रू, वेदर इज अ म्यूजिक, वेदर इज अ वर्क, वेदर इज यू नो अबाउट द अदर पैशन, एज लॉन्ग एज यू आर देयर सपोर्टिंग देम, एंड दैट्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आप भी 2-3 लाइनें सुना ही दें, जब आपने कहा कि आप गाते हैं लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता, आज हम सुनना चाहते हैं, आप सुनाए. सुना तो देते लेकिन एक प्रॉब्लम है. जी प्रॉब्लम क्या है बताइए. भाग जाएंगे फिर. अरे कौन भाग जाएंगे, नहीं कोई नहीं भागेगा, सब घर पे है. तो आप भी किसी एक... पहले इसीलिए तो बंगाली खाना मिस बंगाली खाना मिस करते हैं या फिर घर पे बनता है पूरा? नहीं नहीं घर में तो पक ही जाता है खाना. पक जाता है, सब कुछ मिल जाता है वहाँ पे, सब कुछ मिल जाता है. Kya thank you. That's lovely. So what do you do, sir? What do you do? Well, I'm an IT consultant. You are an IT consultant, okay? And that keeps you busy, of course. Yeah. So when did you come back to UK? Oh, it's been long time now, nearly 20 long years. Long time. 10 years. The same like years. Me, because yeah. So, oh, sorry, how many years? 20 years nearly. 20 years nearly. All right. Okay. Yeah. I came to UK around 10 years back in 2010. All right. Oh, that's good to know. So, how often do you visit India? Abhi pehle to har saal jate the ek baar ya har do saal mein ek baar jate the. Abhi to mushkil ho gayi hai cheezein. With my parents and all that. So, how do you manage everything? Obviously, Nilanjana ji has got a lot of things going around and she keeps herself busy, you know, doing a lot of other stuff, whether it's Indradhanush kids, whether her music, whether, you know, the family responsibility. How you support her? Bas ho jata hai, thoda bahut hum log mil jul ke sab kuch kar lete hain. We support each other. That's me. Bas wahi hai, mil jul ke jab tak chalta rehta hai, tab tak cheezein jo hai, wo sab fit rehta hai. है ना? बिल्कुल. तो इस म्यूजिकल फैमिली में आप सिर्फ ऑडियंस बन के सुनते हैं और एंजॉय करते हैं? अब देखिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑडियंस का अहमियत कभी कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अगर नहीं सुनते तो इनका कौन सुनते,
है ना, ये भी बात सही है। ऑडियंस के बिना, फिर ऑडियंस के बिना परफॉर्मर का कोई काम ही नहीं है। बिल्कुल, तो आइए, वैल्यू तो हमारे लिए है ना, हम वैल्यू देते हैं तभी ना होता है ये। वाह क्या बात बोला, क्या बात बोला, बिल्कुल हमें चाहिए। आइए, तो आई शी रेडी श्रेया, इज शी देयर, रेडी टू ट्रैवल इन फ्रंट ऑफ यू, कम ऑन। चलो, दैट्स ग्रेट श्रेया, वी ऑल आर एक्साइटेड, वाह, लुक एट यू श्रेया, टॉप क्लास, टॉप क्लास। चलो, आई एम रेडी। क्या बात है, वेल डन, वेल डन, लवली लवली, रियली लव्ड इट श्रेया, यू सो गुड, कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू नो ऑब्वियसली फॉलोइंग पैशन, यू कैन लर्न इट फ्रॉम योर मॉम, योर डैड, यू नो, सो आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग, यू आर डूइंग रियली ग्रेट, जस्ट कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आई बिलीव यू गॉट दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव ऑल्सो गॉट एवरीथिंग व्हाट वन आर्टिस्ट नीडेड टू बी हैव, या हैविंग इट, यू नो, सो ग्रेट ग्रेट, गुड गोइंग। चलिए निलंजना जी, अब श्रेया को हम ज्यादा एम्बेरस नहीं करेंगे। it happens, but you know, so the best part is, but she didn't took much time to get her violin out, and the way she was holding and playing, that is certainly Hannah, wo, that needs a lot of confidence, and especially जब मेरे जैसा होस्ट बैठा रहे तो वो दूसरे को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर देता है, तो मेरे जैसे so lovely, no, it's so good to talk to your family, it's so good to talk to your husband, so good to talk to Shweta, a lovely girl. बस निलंजना जी, जाते जाते आप हमें क्या सुनाना चाहेंगी? मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप हमें कुछ सुनाएं और फिर हम इस प्रोग्राम को टाटा बाय बाय करेंगे और उम्मीद करेंगे कि फिर से दोबारा हम आपसे जुड़े। बिल्कुल, ओके, सो जाते जाते मैं क्या सुनाऊं? जाते जाते मैं चाहता था कि एटलीस्ट 2-3 गाने अगर आप सुना पाए तो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर 2 गाने तो कम से कम सुना जाओ। अच्छा, 2 गाने आपको? अच्छा, मैं back to back, एक नया back to back. जी ऐसा जी बिल्कुल, जैसे
मैं फिनिश करती हूँ, जैसे ब्रिज ने कहा चलते चलते कुछ सुनाइए, तो मैं विदाउट म्यूजिक चलते चलते ही हो जाए। वाह क्या बात है, सबसे पहले तो आपने इस गाने को इतना खूबसूरती से गाया, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारी सी आवाज है आपकी, भगवान आपको ऐसे ही गाता गवाता रहे, मुस्कुरवाता रहे, बस ऐसे ही आप लोगों को एंटरटेन करती रहे। तो आइए चलते चलते निलंजना जी से ये गाना सुनते हैं और फिर आप सबों से अलविदा लेंगे। जी निलंजना जी। रोते हंसते बस यूं है तुम, गुनगुनाते रहना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये गीत याद रख, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, प्यार करते गए हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के, पाचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के, आंचल में सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम्हें यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, ला 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 ला। ये जो आपने विदाउट अभी जो विदाउट म्यूजिक आपने गाया ना, मजा आ गया। मैं चाहता हूँ एक गाना ऐसी, एक गाना और बस विदाउट म्यूजिक, बस आपकी आवाज, मतलब एक अलग सी मिठास थी सिर्फ आपकी आवाज को सुनने में जो आनंद आया, बस एक गाना कोई भी गाइए, मैं आप फिर दोबारा जिद नहीं करूंगा और किसी गाने की, बस एक एक गाने को। अच्छा चले एक और अगेन विदाउट म्यूजिक मैं करती हूँ, क्योंकि मैं तो वही है ना, मैं तो मुझे इतनी सारी टेक्नोलॉजी समझ में भी नहीं आती है, मैं तो अपना वॉइस पे ही डिपेंडेंट हूँ। अब मेरी वॉइस चले तो ठीक है, वॉइस चले तो वॉइस जब इतनी स्ट्रांग हो, इतनी ट्रेंड वॉइस हो, तो फिर उसके लिए किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, एक हो जाए। मुझे समझ भी नहीं आती इतनी टेक्नोलॉजी, मैं उतनी ना थोड़ी वो टाइप हूँ, मतलब बैकवर्ड हूँ अब तक किस ये सारे टेक्नोलॉजी का, क्या आप लोग कर लेते हो इतना अच्छा, तो मैं तो उतना कर ही नहीं पाती हूँ। देखिए नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी की तो बात ये है कि अब आज का तो ये जरूरत बन गया है, मजबूरी बन गई है, लेकिन एक खासियत ये है कि इसी बहाने हम पूरी दुनिया से और अपने लोगों से जुड़ पा रहे हैं, तो लेकिन जब इतनी स्ट्रांग आवाज हो ना, जब इतनी ट्रेंड आवाज हो, तो मैं तो लोगों को हमेशा कहता हूँ कि आप में माँ सरस्वती की कृपा है, आपको इतना ट्रेंड वॉइस मिला है, इतनी स्ट्रांग वॉइस मिली है, यू डोंट नीड एनी यू नो सपोर्ट ऑफ बैक ट्रैक, हाँ टू मेक इट मोर एंटरटेनिंग दैट्स फाइन, बट जब आपकी आवाज होती है खुद की ना, तो फिर आपने क्या सोचना है, आपने बस चक दे फट्टे करना है। ठीक है, तो मैंने आपको सुनाया था उसका जो रीमिक्स वर्शन ऑफ लग जा गले, मैं आपको दो लाइन ओरिजिनल सुना देती हूँ। जी बिल्कुल। तो फिर आपको समझ में आएगा कि हाउ वी हैड टू कनेक्ट बैकवर्ड, वी हैड टू गो बैक फ्रॉम द झिंगझांग टू द ओरिजिनल एंड बीच में उसको राग को समझाना, फ्रॉम झिंगझांग टू टिंगटैंग, टिंगटैंग वो जो पुराना है, टिंगटैंग, यस यस ऑफ कोर्स। हां हमको मिली है आज घड़ियां
भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और मैं इसी आवाज की बात कर रहा था दोस्तों, आप लोगों को मैं शुरू में जब मैं ये बता रहा था कि मैं जिस आवाज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने शुरू में कुछ गाने सुनाए म्यूजिक के साथ, वो तो बेहतरीन थे ही थे, लेकिन जब विदाउट म्यूजिक हमने सुना तब हमें रियलाइज हुआ कि जब हम बात करते हैं एक ट्रेंड वॉइस की, जब हम बात करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की, तो क्या डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंस अभी निलंजना जी ने हम सबों को सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस शो में जुड़ी, और आप ही नहीं जुड़ी, आपके परिवार के कुछ सदस्य भी जुड़े, जिससे कि बहुत ही मजा आया, आपकी कुछ बातें जानने को मिली। हाँ, थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच हुआ बीच में, जिसके लिए मैं दर्शकों से माफी चाहता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हम इस पे और भी इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और हम ऐसे ही जो है वी ऑल आर लर्निंग, ये वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया को हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। निलंजना जी, ब्रिजवाणी की तरफ से आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, आप जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ती रहें और आप अपने पैशन को ऐसे ही जीती रहे। भगवान आप पे आशीर्वाद बनाए हुए हैं, माँ सरस्वती आप पे कृपा बनाई हुई है। मैं बहुत ही बूढ़ा साउंड नहीं करना चाहता, बट एट द सेम टाइम मैं ऐसा फील करता हूँ जब मेरे अंदर जब कोई आवाज कोई हिट करती है, जब मुझे लगता है कि कोई समवन इज डूइंग रियली रियली अ ग्रेट जॉब, आई जस्ट कांट इंसिस्ट माई सेल्फ यू नो अप्रिशिएटिंग समवन। सो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब निलंजना जी, गुड लक, लुक आफ्टर योर सेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने छोटे बच्चों को जो सरस्वती वंदना सिखाती हूँ सबसे पहले क्लास में, उसके साथ मैं फिनिश करना चाहती हूँ, अगेन विदाउट एनी म्यूजिक, दो लाइन, ठीक है। तो ये मेरे बच्चे एकदम शुरू में गाते हैं, जब व्हेन दे आर, मतलब जैसे वो फर्स्ट शुरू करते हैं, तो ये हम क्लास में सिखाते हैं। तो अ वेरी बेसिक सरस्वती वंदना, बट इट इज काइंड ऑफ मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि यू नो व्हाट इज द, मतलब हम सरस्वती माँ को क्यों प्रे करते हैं, क्या उसका मतलब अहमियत है, थिंग्स लाइक दैट। सो जस्ट टू लाइंस, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, हे विद्या बुद्धि प्रदायिनी, मा वीणा पुस्तक धारिणी, भवभंजनी मनोरंजनी, शारदा माता। क्या बात, थैंक यू ब्रिज जी। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने आकर के इस शो में चार चांद लगा दिया। हमारे सुधीर भाई कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया लगा, निलंजना जी का की आवाज बहुत प्यारी लगी, और बहुत ही खूब प्रोग्राम है ब्रिज भाई। नहीं, आप ही लोगों से ये प्रोग्राम है, और निलंजना जी ने तो जो शुरुआत की है, उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप लोगों का प्यार भी मिलेगा, और निलंजना जी भी
ऐसी ही हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। और एक निलंजना जी, एक ख्वाहिश रहेगी कि आपके साथ जुड़ करके कुछ डुएट गाने भी हम गाएं, वो भी जरूर एक जैसी चीजें नॉर्मल होती तो आप जैसे वो पता है क्या, हम लोग तो ऐसे ही मस्त, थोड़े से मस्त मौले वाले सिंगर हैं हम लोग, कहाँ हम लोग बाथरूम सिंगर हैं। और कहते हैं ना कि मैं एक गाना, मेरे को आपके साथ गाने का बड़ा मन था, वो गाना था कौन सा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा कहाँ तो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। अगली अगली लाइन आपको आती है? मेरे को तो गाने याद नहीं रहते, मुझे भी नहीं याद रखी है, तो मुझे भी लिरिक्स ढूंढना पड़ता है, मैं आपसे भी ज्यादा बुद्धू हूं। ये क्या नहीं हम लोग ऐसे तो साथ में कहते, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में बाहें ये चंचल निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। बहुत बहुत शुक्रिया निलंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करूं, खुद को रोक नहीं पाया, जब इतनी मधुर आवाज सुनी तो हमने सोचा कि थोड़ी अपनी ऐसी ही घिसी पिटी आवाज में आपको भी कुछ सुना दे। पर जरूर फिर कभी मिलेंगे और कभी जम करके महफिल जमाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया निलंजना जी, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, गुनगुनाते रहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू। तो जी हाँ दोस्तों, ये था आज का सुरीली बातें प्रोग्राम, जहां पे मैं लेकर के आया था निलंजना जी को। निलंजना जी क्या खूबसूरत गाती हैं, आप सबों ने सुना। हाँ, कभी अगर मौका मिला तो हम उनके साथ लाइव भी शो करेंगे और उस लाइव शो को आप सबों के लिए लाइव लेकर के आएंगे फेसबुक पे। देखते हैं कब लॉकडाउन खत्म होता है, कब कोरोना काल की समाप्ति होती है, अभी तो कुछ दूर दूर तक नजर नहीं आ, लेकिन आप सब ऐसे ही प्यार से जुड़ते रहिए, प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार की बहुत जरूरत होती है। ये प्यार जो है यही मोटिवेशन है। सुधीर भाई कहते हैं ये क्या बात है आज की चांदनी में, आया है पूरा गाना ही लिख के भेज दिया सुधीर भाई ने, ये आइए मेहरबान क्या बात है। और तो बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार देते रहिए, आप लोग बने रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अगर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती ना निकलिए, समय पूरा वर्ल्ड वाइड जो है अभी कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो आ चुका है, तो आप सबों की स्वास्थ्य की दुआएं मांगता हूं, आप सबों से ही प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुशल मंगल रहे और गुनगुनाते रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रजवानी की तरफ से, थैंक यू।